हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि रूही के सामने आई अभीरा की अरमान को लेकर की चाहत, तो वहीं गुस्से में बौखलाई रूही और मारा अभीरा को जोरदार धक्का। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां अभीरा इमोशनल हो जाती है और अरमान से अपने प्यार का इजहार कर देती है, तो वहीं रूही के सामने भी ये सच आ जाएगा कि अभीरा अरमान से प्यार करने लगी है। जहाँ सुरेखा और स्वर्णा भी अभीरा के खिलाफ रूही के कान भर देंगी कि रूही अगर तू चाहती है कि तेरी और अरमान की शादी हैप्पीली हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, तो सबसे पहले तुझे उस अभीरा को जॉब से निकालना होगा, क्योंकि अगर अभीरा इस घर में रही तो तेरी और अरमान की शादी में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और हमें नहीं लगता है कि शादी हो भी पाएगी, क्योंकि हमने खुद देखा है और महसूस किया है कि अरमान अपनी शादी में दिल से इन्वॉल्व हो ही नहीं पा रहा है। उसका बार बार फोकस अभीरा पर ही जाता रहता है। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां रूही भी ये बात नोटिस करेगी कि जब से अभीरा आई है तब से अरमान भी कुछ खोया खोया सा रहने लगा है, तो वहीं रूही ये बड़ा फैसला कर लेगी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अरमान को अपना बना के ही रहेगी और फिर चाहे इसके लिए उसे अभीरा को जॉब से और इस घर से निकालना ही क्यों ना पड़ जाए। जहां रूही बहुत सारे पैसे और एक ब्लैंक चेक लेकर जाने वाली है अभीरा के पास और ये कहते हुए नज़र आने वाली है कि अभीरा तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझे बता दो और मुझसे ले लो और अभी के अभी अपनी जॉब छोड़ के यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ अभीरा शॉक्ड हो जाएगी और कहते हुए नज़र आने वाली है कि रूही मैम, मुझे आपके पैसे भीख में नहीं चाहिए, मैं अपने काम और अपनी मेहनत का ही पैसा लूँगी और जब मैं आपकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से ही करूँगी और आपको शिकायत का कोई एक मौका नहीं दूँगी। तो वहीं जब अभीरा नहीं मानेगी तो रूही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाएगी और मार देगी अभीरा को ज़ोरदार धक्का। जहाँ नीचे खड़ा अरमान ये सब कुछ देख रहा होगा और भागते हुए जाने वाला है अभीरा को बचाने के लिए, तो वही दोस्तों रूही का घटिया चेहरा आएगा अरमान के सामने और कहानी में आएगा ज़बरदस्त मोड़। तो आप सब और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।